अंजनगांव सुरजी श्री भद्रकाली माता नवरात्रोत्सव मंडल बुधवार सुरजी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी 7 अक्टूबर को शाम 6 बजे कुंभकर्ण व तारका व्रत का कार्यक्रम लिया गया। जयसिंह सोलंके के निवास स्थान से प्रतीक रूप में तारका सुपर्ण रखा राम लक्ष्मण ढोल ताशों के साथ मारुति मंदिर जाते हैं। वह मारुति सहित भद्रकाली मंदिर में आते समय मारुति सुपर्णखा व तारका का व्रत करते हैं तथा राम लक्ष्मण धनुष द्वारा कुंभकर्ण का व्रत किया जाता है। भद्रकाली मंदिर के सामने शहानूर मंदिर के पत्र में बड़ा कुंभकर्ण बनाया जाता है। वद से पूर्व आतिशबाजी की जाती है। यह परंपरा 60 वर्षों से चलती आ रही है। आप तक न्यूज अंजनगांव सुरजी से साजिद सौदागर की रिपोर्ट। हर साल के जैसा ये साल भी हमारे सुरजी अंजनगांव में यह कुंभकर्ण व्रत का कार्यक्रम होता है और यह करीबन 60 साल से चालू है और आगे भी रहेगा ऐसी उम्मीद है। इस कार्यक्रम का माध्यम यह है कि इतिहास में जो हो चुका है वो फिर से ना होए और एक नए पीढ़ी को इसका अंदाज़ा हो कि ये होने पर इसका नतीजा क्या हुआ है और आज उसकी बहुत से जगह सभी जनता को मालूम नहीं है और होनी चाहिए, ये हमारा मकसद है। और यहाँ पे जो है तो हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में ये हिंदू लोग जो त्यौहार मनाते थे उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल होते थे। तो ये जब से मैंने होश संभाला 65-70 साल की उम्र है मेरी, जब से मैं इसको लेकर ये प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। पहले इधर पर थोड़ा आगे पीछे इधर उधर सड़क का 5-10 फुट यहाँ लोग दिलाते हैं। अभी सभी लोग सभी समाज के लोग इसमें जमा होते हैं। सभी समाज